starting with a new topic, law of radioactive decay, जिसे सॉडिस लॉ भी बोला जाता है. कई चीजों को, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है. सॉडिस लॉ, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी से बोला जाता है. इसके अंडर ही हम पढ़ते हैं. तो ये सारी के सारी चीजें एक ही है, ठीक है ना. चलो, तो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, एज अ हैवियर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 210 से ज्यादा होता है, उसमें रेडियो एक्टिव डीके होता ही है. चाहे वो अल्फा डीके के फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे बीटा डीके के फॉर्म में हो, और चाहे गामा डीके के फॉर्म में होगा, मेनली तीनों के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. अब बात करते हैं अल्फा डीके या बीटा डीके या फिर कुछ भी डीके हो, पर एक चीज तो क्या होगा, सब में कॉमन है डिसइंटीग्रेशन. दैट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट यानी खुद को खत्म करते रहता है एज ए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. तो इसी को हम बोलते हैं कि दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी अ लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम में, एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम में क्या डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, घटते रहते हैं, उसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है. अब इसमें एक चीज समझ के चलना, दैट लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम dn बाय dt से हम एक सपोज कर सकते हैं, माइनस dn बाय dt से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. किसको, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ disintegration, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो. ऐसा क्यों भाई, ठीक है ना, ऐसा है ही है तो ऐसा है ही है. देखो, यहाँ पर मेन चीज ये समझने वाली है कि दैट जो भी डिसइंटीग्रेशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा. डिसइंटीग्रेशन हमेशा शुरू से ध्यान रखना कि दैट ये हमेशा डिपेंड होगा जितने नंबर्स ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, या फिर जो भी न्यूक्लियाई अभी भी अनडिकेड है या फिर डिसइंटीग्रेशन उसका नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब ज्यादा नंबर अनडिकेड न्यूक्लियाई रहेंगे, मतलब उतना ही ज्यादा तेज क्या होगा, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन. तो फर्दर एक चीज सपोज कर लेते हैं, हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे हमारे पास एन ऑड नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई है. एन ऑड क्या है, यहां साइड में लिख लेना, आगे में एन ऑड इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव डीके. लिख लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव डीके, टोटल नंबर. चलो, और ये टी इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं टी इज इक्वल टू टी टाइम पे, इसमें कितने ये हो गए n नंबर अब बचे हुए हैं. तो n क्या है, यहाँ पास नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जो अभी भी बचे हुए हैं, उसे हम कैपिटल N से शिफ्ट डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना. चलो, तो ये आ जाएगा दो चीजें. और फर्दर इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट इट दैट लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन. और यहाँ पास हमेशा एक चीज और, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, भाई माइनस क्यों लगाया है, माइनस, हाँ एक ये ध्यान रखना, माइनस इसलिए लगाया हूं क्योंकि धीरे धीरे न्यूक्लियाई तो घट रहे हैं ना, इंटीग्रेट तो हो रहा है, उनका डिसइंटीग्रेशन तो हो रहा है ना, इंटीग्रेशन यानी सम और डिसइंटीग्रेशन यानी माइनस, ठीक है ना. तो डिसइंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया. तो सिंपली इसी प्रोसेस को माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिख सकता हूं, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई. अभी मैंने इस बात को क्लियर किया, वीडियो क्लियर है पर थोड़ा सा और क्लियर होने की जरूरत है. अब क्लियर है, सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो इसी फॉर प्रोसेस को हम आगे एक्सप्रेस करते चलते हैं. चलो, यहीं पास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा साइड में जगह भी बचेगी. माइनस डी एन बाय डी टी इज इक्वल्स टू, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहूं तो मैं क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वाला लगाना पड़ेगा. तो मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूं एज अ लैम्डा, और लैम्डा क्या है यहां पास, लैम्डा इज आवर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है या फिर डीके कांस्टेंट भी बोला जाता है, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना. तो फर्दर इसी को अरेंज करते हैं, तो मैं क्या इसी में नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिख सकता हूँ, डी एन बाय, हाँ, यहाँ पास सही है, सही है,
ये n मेरे को लगा गड़बड़, मैं n नॉट लिख दिया हूँ भाई, ठीक है। तो ये n को मैं क्या इधर भेज सकता हूँ n, और ये dt को उधर भेज सकता हूँ, तो इज इक्वल्स टू ये वाला माइनस को ना उधर भेज देते हैं, बार बार दिक्कत कर रहा है तो अभी उधर भेज देते, माइनस ऑफ लैम्डा dt ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। चलो उधर साइड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब करते हैं, हो गया। चलो अब इसी एक्सप्रेशन को हम फर्दर आगे बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि अपने पास यही है मेन। अब ये मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, फाइनली dn बाय dn बाय n इज इक्वल्स टू लैम्डा dt। अब इसी एक्सप्रेशन को हम मूविंग फॉरवर्ड विद दिस एक्सप्रेशन ओनली, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरे के पूरा टाइम निकालना है कि टोटल डिसइंटीग्रेशन होने में कितना रेट है, मतलब तो अगर रेट निकालना चाहते हैं तो हम कितने, एक छोटे डिफरेंशियल के लिए रेट तो नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे किसके लिए रेट, पूरे के पूरे एक न्यूक्लियस के लिए, या फिर कितने एक पूरे के पूरे सब्सटेंस के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो मतलब सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये अपने निकल जाएगा। तो कहां से, एन नॉड से लेकर के एन, एन नॉड क्या है जीरो से, मतलब जब एक भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, डिस इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के एक एन नंबर तक, मतलब जब हमारे पास एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं उस टाइम तक के लिए निकाल रहा हूं। अब इधर क्या आ जाएगा, यहां जीरो से लेकर के फर्दर टी तक के लिए कर देते हैं, यही चीज है हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब इसे को एक्सप्रेस करते हैं, तो फर्दर अगर इसका एज इंटीग्रेशन करते हो तो एक चीज समझ के चलो, तो यहां पास आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी, हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका फर्दर वैल्यू क्या आता है, log e n by n naught by n, ठीक है ना, log e dn n by n, समझ आए। और फर्दर जब लॉग में वैल्यू आता है तो कई लोगों को कंफ्यूजन होगा ये प्रोसेस कैसा होता है, लॉग में जब वैल्यू आता है तो ये वाला एन हट जाता है, डी एन बाय एन फर्दर, इसको यहां पर एक्सप्रेस कर देते हैं, जब ये वैल्यू इस तरह से रहता है डी एन बाय एन, और इसका इंटीग्रेशन फर्दर कुछ भी वैल्यू से, जैसे हम एन नॉड से ले लेते हैं एन तक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक वैल्यू में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लॉग ई एन, और ये होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ आए, ये होता है इस तरह से। तो वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करने पर बैठेंगे कैसे क्या हुआ, आप सरदर यहीं पास यूज कर सकते हो, तो बाय एन, और ये कहां से आ जाएगा, एन नॉड से एन तक। अब उधर साइड का क्या हो जाएगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, माइनस साइन तो हम भूल रहे थे, माइनस इधर लगा देते हैं, और इसी वाले प्रोसेस को हम यहां अपना लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी और जीरो से लेकर टी तक, कंप्लीट है। चलो एक स्टेप और बढ़ो, अब यहां पास क्या होगा, यहां पर जो n n बाय n नॉट है ना, तो उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके एक समेशन वैल्यू ला देते हैं, ठीक है ना, log ऑफ ई एन, ये माइनस log ऑफ ई एन नॉट, कंप्लीट है, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ टी, माइनस साइन में बार बार पूछ रहा था, लैम्डा टी हो जाएगा, कंप्लीट। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं, हमेशा एक चीज यहां ध्यान रखना कि डैड अगर इसको आप सॉल्व करोगे मैग्नेट, इधर साइड से ब्रैकेट को हटाते हैं तो हमेशा लॉग में ये वैल्यू एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है ना, जो एज ऑफ मैथ वाले उनको तो सारी चीजें समझ ही आ रही होंगी, जो बायो वाले हैं उनके लिए दिक्कत होगी, तो जस्ट एक चीज पूरा मैथ सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे को भी नहीं हो पाएगा टाइम, और आपको भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए जस्ट हम क्या टॉपिक बाय टॉपिक सेलेक्ट करते चलते हैं, ये हो जाएगा अपना n बाय n नॉट, जब इसको हम सॉल्व करते हैं n log of n माइनस log of n नॉट, हमारा log n बाय n नॉट होता है, कंप्लीट है, ये वैल्यू ना यहां नीचे शिफ्ट हो जाती है, कंप्लीट। नेक्स्ट ये हो गया यहां तक, माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी, ठीक है, अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं तो जस्ट हमारा आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए कलर चेंज करता हूं, कोई नेक्स्ट कलर को पकड़ते हैं, ब्लैक ही है क्या, चलो तो एक स्टेप फर्दर, ये लॉग ई को उधर साइड भेज दो,
तो ये क्या हो जाएगा n by n naught is equals to log of e to e to the power minus of lambda into t, ये वाला ऊपर चल जाता है वैल्यू, और इसी को एक स्टेप जो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा n naught e to the power minus lambda into t is our final equation, और यही होगा rate of disintegration, ठीक है, rate of disintegration का, यानी इसी को बोला जाता है soddy's law. कंप्लीट, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए, अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है ना, चलो आगे बढ़ना है अभी. अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी ये क्वांटिटी है dn by dt सपोज कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी सैंपल के लिए हम उसका डिसइंटीग्रेशन, जो भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम में, हम उसे सपोजली बोल सकते हैं कि दैट ये किसी भी सैंपल की एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगी, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ जो भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पूरा ओवरऑल एक सैंपल के ऊपर, जो भी सैंपल है हमारे पास, मान लेते हैं किसका सैंपल है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जैसे LU है, ठीक है, तो LU का ही मान लेते हैं डिसइंटीग्रेशन हो रहा है एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लेंथेनॉइड का, तो यहां पर जो इसके डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इस एलिमेंट का, तो फर्दर इस पूरे सैंपल का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी एक्टिविटी बोली जाती है, ठीक है, तो एक्टिविटी के ही टर्म्स में हम इसी एक्सप्रेशन को हम एज ए यूज कर सकते हैं, दैट फाइनली ये कुछ इस तरह से हमारा डिसइंटीग्रेशन होता क्या होता था, डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस dn बाय dt इज आवर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सपोजली इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इसी एक्सप्रेशन को एज हम a बोल सकते हैं, ये एक्टिविटी को हम a से डोनेट करते हैं, यहां नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी डाल देना, ठीक है, एक्टिविटी इसी को क्या बोल सकते हैं हम, उसकी एक्टिविटी फॉलोइंग कंपाउंड की, तो ये एज dn by dt is supposed to क्या होता है dn by dt, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आपको भी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं होगा, a is equal to minus dn by dt, उस एक्टिविटी के रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली इक्वल होगा एक्टिविटी के ऊपर, जो कि इक्वल होता है dn by dt किसके, लैम्डा इंटू टी के ऊपर इक्वल होता है, अभी हमने इसको पढ़ गया है, ठीक है ना, ये क्या होता है लैम्डा इंटू टी के ऊपर डायरेक्टली होता है, तो इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को, a is equals to lambda into t, और फर्दर इसे हम अगर किसके रिस्पेक्ट में लिखे जाए तो यहां थोड़ा सा n into lambda होता था, सॉरी n into lambda, वही गड़बड़ हो रहा था, इसे क्या लिख सकते हैं n into lambda, n into lambda, तो ये हम लिख सकते हैं, और अगर इसको हम n के रिस्पेक्ट में लेके आऊं इसी एक्सप्रेशन को, तो मैं इसी की जगह क्या लिख सकता हूं, n is equals to a by lambda, और इसी के लिए फर्दर ये हो जाएगा ये एक्सप्रेशन वन, और इसी तरह से अगर फर्दर हम क्या किसके लिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के लिए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये माइनस डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू ये होता है लैम्डा इंटू एन नॉट, ठीक, तो इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं एन नॉट इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा टी, ए नॉट बाय लैम्डा टी, कंप्लीट है. अब इसी दो एक्सप्रेशन आए, अब इन्हीं दो एक्सप्रेशन का आप यूज कर लो, तो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो एक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, बोथ विच आर इक्वल्स टू बोथ ऑफ इच अदर, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल है, तो ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय लैम्डा, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए नॉट इंटू लैम्डा, और एज ये एक्सप्रेशन किस तरह से रिलेटेड है टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, चलो तो यहां जो वैल्यूज कट हो रही है उसको काट दो, लैम्डा लैम्डा कट हो रहा है, इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, तो यह आ जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दीज एक्सपेरिमेंट, यानी एक्टिविटी के लिए एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, एक्टिविटी के लिए एक्सपेरिमेंटल टर्म आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका पूरा हुआ मैंने कराया सॉडिस लॉ, जिसे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके भी बोला जाता है. अब इसमें एक चीज और छूट रहा है, इसको एक चीज ले लो और एक इसको चीज ले लो, अब इसी दोनों के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो जनरली ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमें क्या मिलता है, एक साइड वाइज ड्रॉपिंग ग्राफ मिलता है, जो कि ये टाइम किस लिए हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा अपना एन एन बाय एन नॉट बाय किसके लिए, एन नॉट बाय टी के लिए हो जाएगा, एक तो ये टाइम हो जाएगा,
अरे यार 2 मिनट भाई, लोग लाइट गोल हो गई। तो इधर साइड हम क्या डोनेट करते हैं, इधर साइड हम टी ले लेते हैं और इधर साइड एज अ एन एन टाइम पे, मतलब जिस समय पे हमारे पास एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे रहेंगे। अब उसका धीरे धीरे इंटीग्रेशन होना चालू हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन का रेट धीरे धीरे घटते जाएगा क्योंकि एन का नंबर यहाँ पास घटते जा रहा है, धीरे धीरे जीरो की तरफ आ रहे हैं। यहाँ क्या रहता है हमेशा जीरो, तो ये धीरे धीरे क्या रहा है घटते, ये भी क्या होता जा रहा है धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो एन बाय ये क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी भी इस समय पर क्या होगी, ए होगी। अब यहाँ पास थोड़ा सी इसी के जस्ट नीचे पे क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी एन नॉट बाय ए नॉट मान सकते हैं, और यहाँ पास जस्ट हाफ जब रहेगा तो इसे क्या जानना मान सकते हैं एन नॉट बाय टू, और इसी को हम क्या फर्दर लिख सकते हैं ए नॉट बाय टू भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में सॉडिस लॉ का। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो पे कि इसका क्या यूनिट होता है। इससे पहले एक चीज और समझ के चलो, इसकी एसआई यूनिट बैक्यूरल होती है जिसे हम बीक्यू से डोनेट करते हैं। उसके अलावा इसकी दो और फेमस यूनिट है, एक तो क्यूरी और दूसरा रदरफोर्ड। तो ये दोनों यूनिट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो सीजीएस में है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। जैसे कि अगर आप रदरफोर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो वो 10^6 होता है, तो वो आपके लिए कंफ्यूजन करेगा। ये हाँ, जो बैक्यूरल इस्तेमाल करते हैं हम, ये होता है जब 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 BQ इज इक्वल टू 1 DK/s। बट वो क्या होता है, वो होता है अपना 10^6 DK/s। और वहीं पर जो क्यूरी अगर इस्तेमाल करना चाहता है कोई, तो 3 × 10^7 DK, आई थिंक सो इतना ही। जस्ट क्यूरी वाला आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि जस्ट मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ये बैक्यूरल का ही इस्तेमाल करना क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है और स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, और 1 DK/s होता है, तो इसके लिए ये आसान बात सही है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, क्योंकि लाइट भी गोल हो चुकी है, और जस्ट मिलते हैं किसी और दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।